हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं शिमला मिर्च का भरता। इसके लिए हमने दो आलू ले लिया है और मिर्च को काट के हमने रख दिया है, और धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज और नींबू को हमने काट के रख दिया है, और हमने मटर को छील के रख दिया है, और हमने अरारोट लिया है, हमने 3 शिमला मिर्च लिया है, और हमने गरम मसाला और मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 5 फोड़न लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब उसमें हम तेल डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 5 फोड़न डालेंगे। जब 5 फोड़न जल जाएगा तब हम उसमें प्याज डालेंगे और लहसुन मिर्च। तो 5 फोड़न हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें हमने इसमें अदरक डाल दिया है और लहसुन, और अब हम इसमें मिर्च डाल रहे हैं, प्याज, इधर हम आलू को मैश कर दे रहे हैं। इधर इसको आप चलाना मत भूल जाइएगा, वरना ये जल जाएगा। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर और गरम मसाला और मिक्स मसाला, जो भी मैंने आपको बताया था वो था। वो आलू में अब हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा नमक। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने मैश किया था, उसमें नमक डाल के, और इसको हम चला देंगे। और इसमें हमने धनिया भी डाल दिया है, और इसमें हमने नींबू भी डाल दिया है। और इसे चलाते रहेंगे। नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। शिमला मिर्च को हम धुल ले रहे हैं। उसका बीज निकाल दीजिएगा शिमला मिर्च का। अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। सरसों का तेल हमने यूज किया है, सरसों के तेल से खाना अच्छा बनता है। और इधर हम चोखे को जो हमने बनाया था उसे शिमला मिर्च के अंदर भर ले रहे हैं।
तो हम शिमला मिर्च में आरा रोट का पाउडर इस तरह से पोत लेंगे, जिसकी वजह से वो क्रंची हो जाएगा। और हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। अब हमारा ये हो चुका है और अब हम इसे उतार देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा शिमला मिर्च का भरता बन चुका है। देखिए हमारा शिमला मिर्च का पकौड़ी कितने अच्छे तरह से बन के रेडी हो गया है, मतलब भरता। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।